हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 14 अक्टूबर, 14th अक्टूबर, और आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है। तो पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी हैं। आज आखिरी मौका है अपने पितरों को प्रसन्न करने का, और आज के दिन का जो पिंडदान होता है या जो आप दान दक्षिणा करते हो, दान पुण्य करते हो, उसका बहुत फल आपको मिलता है। साथ ही साथ गौ को आप भोजन करा सकते हो, कपड़ा दान कर सकते हो, काले तिल को शिवलिंग से टच कराकर आप दान कर सकते हो। कपड़े को भी आप दान दें तो पहले शिवलिंग से टच करा दें किसी मंदिर में, और फिर वहाँ के पंडित को या जो भी आपके जिसको भी आप दान देना चाहो आप दे सकते हो। ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। गरीब जो लोग होते हैं, भूखे जो लोग होते हैं, लाचार मजबूर जो लोग होते हैं, उनको आप कपड़े दान करें, भोजन कराएं, इससे पितरों को बहुत सुकून मिलता है। पशु पक्षियों को आप भोजन कराएं तो भी दान पुण्य करें, वो भी अच्छा है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, सपोज़ कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, आप इतना दान पुण्य नहीं कर सकते, आपके बजट के बाहर है, तो आप क्या कीजिए, आपके घर के आसपास जो भी प्रवाहित करने वाली नदी हो, मतलब जिसका प्रवाह हो, बहती नदी हो, उसमें आप प्रवाहित कीजिए दिया। दक्षिण मुंह करके आप एक दिया प्रवाहित कर दीजिए, कम से कम इतना ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके घर में जो पूजा स्थान है, थोड़ा सा तिल मंगा कर वहाँ चढ़ा कर भगवान को, और फिर उसको आप दक्षिण मुंह करके दान कर दें। अपना गोत्र और अपने जो भी आपके पूर्वज हैं उनको याद करके, प्रे करके आप दान कर दें, डाल दें, बस चिड़िया कौवा कोई भी खा जाएगा। और घर पर ही सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का, जैसे 11:30 से 12:30 के बीच में थोड़ी सी कढ़ी या सूखी बरी और चावल, और कोशिश कीजिए उड़द यूज़ करने का, उड़द और चावल, तो उड़द की बढ़िया बना सकते हो वड़ा। इसके अलावा आप मीठा कोई, अगर आप खीर बना दो या कोई मिठाई रख दो, तो ये सब आप करके, पूड़ी चावल, ये सब आप एक पत्तल जो आता है उसमें करके दक्षिण तरफ रख दीजिए तो भी बहुत अच्छा है। कुछ नहीं कर सकते तो इतना ज़रूर करिएगा। सो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी क्योंकि आज लास्ट डे है। अब हम शुरू करेंगे आज की एनर्जी, देखते हैं आज की एनर्जी आप दोनों की। सूर्य ग्रहण भी है, अमावस्या भी है, एनर्जी कैसी रहेगी। महादेव, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। कल बड़ी रीडिंग नहीं आई दूसरे चैनल पे, और इस चैनल पे भी मैंने स्पेल लोड किया था। कल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था गाइस। कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि एकदम से लग रहा था मुझे नहीं करना है, तो मैं, जब मुझे भगवान की परमिशन नहीं होती है तो मैं उस दिन वो काम नहीं करती हूँ। तो मैंने क्या किया, मुझे कल स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी कि मुझे लोड करना है स्पेल, तो मैंने मंत्र डाला था टू अट्रैक्ट समवन। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और दूसरे चैनल पे मैंने सिर्फ मून साइन डाला क्योंकि एनर्जी हैवी थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि आप अमावस्या के दिन सैड हो जाएं और नेगेटिव मैनिफेस्ट करें, इसलिए भगवान ने रोक दिया। तो जब रोक दिया तो मैं रुक गई, क्योंकि जो उनकी इच्छा होगी वही होगा। एट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्ड्स। एनर्जी अभी भी हैवी है। देखिए, कलेक्टिवली आपकी एनर्जी में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसका मतलब कि आप प्यार तो बहुत करते हैं, लविंग एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, आप अपने पर्सन से बेनतहा मोहब्बत करते हैं, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए इंतज़ार है आपके कि वो आएँ, आपको एक्सप्रेस करें, वो अपने इमोशंस को खुलकर बताएं। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आप, मतलब ईगो नहीं है आपके अंदर। अगर आपका बस चले तो शायद आप अभी उनको मैसेज कर दो, अभी कॉल कर दो कि कैसे हो, क्या चल रहा है। अगर आपने उनका कोई निकनेम रखा है तो यहाँ निकनेम की भी वाइब्रेशन है। हो सकता है आप निकनेम कुछ बताकर आप उनको खुश करने की कोशिश करो, हो सकता है उस निकनेम से वो काफ़ी हैप्पी हो जाए।
कुछ लोगों को अपने पर्सन से रिलेटेड ड्रीम्स भी आएंगे या आ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें आप अपने पर्सन को देख रहे हो, उनके साथ इमोशनली कोई बॉन्ड आप शेयर कर रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। आज का दिन आप अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। वी हैव 10 ऑफ कप्स विद द स्ट्रेंथ। कुछ लोगों की तबीयत ख़राब है, या तो आपकी खुद की या आपके घर में किसी की, तो आप उनकी केयर करोगे, नर्चर करोगे। लेकिन साइड बाय साइड आप अपनी लाइफ में ये भी मैनिफेस्ट करोगे कि मेरी लाइफ में कंप्लीशन हो जाए, मेरा भी घर बस जाए, मेरी भी लाइफ में बच्चे हों, पति हो, जिससे हम प्यार करते हैं, उनसे शादी हो। ये वाली एनर्जी है। क्योंकि आज ग्रहण है, क्योंकि आज न्यू मून है, यहाँ पे 3 कार्ड ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि आज की एनर्जी कुछ लोगों के लिए काफ़ी हैवी होगी। क्या होगा ये भी बता देती हूँ। कुछ लोगों को आज के दिन ट्रिगर मिलेगा किसी अपने से, या तो किसी का झूठ पकड़ाएगा, चोरी हो सकता है कोई सामान। कुछ लोगों को आज के दिन ऐसा लगेगा कि उनकी ज़िंदगी बहुत जेल में बंद है, कैद है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं किसी सिचुएशन में। आपको ऐसा लगेगा कि निकल जाऊं मैं इस कैद से। कुछ लोगों का आज वाद विवाद हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, एक दूसरे पर ब्लेम गेम हो सकता है। आप उन्हें ब्लेम करें, वो आपको ब्लेम करें, या कोई आपके खिलाफ़ किसी को भड़का दे। ये भी चीज़ें आज के दिन हैं। तो एनर्जी थोड़ी सी हैवी है, तो आपको क्या करना है, आपको गुस्सा नहीं करना है। जैसे ही आपको गुस्सा आए, मेरी बात याद आ जाए कि आज के दिन अपनी वाइब्रेशन को अगर आपने लो किया, तो आप टेस्ट में फेल हो जाएंगे। आप 15 दिन तक इस एनर्जी में रह जाएंगे मिनिमम। तो ये आपको नहीं करना है, बचना है इस चीज़ से। जैसे ही कोई आपको कुछ बोले, उठ के चले जाइए और अपने लाइफ में जो भी आपको पसंद है वो काम कीजिए। पर्सन की तरफ पहला ही कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी लाइफ में भी कार्मिक ट्रिगर है। कोई इनसे झगड़ा कर सकता है, कोई इनको इम्बैलेंस कर सकता है, मतलब अगर ये बैलेंस में भी है ना, कोई इनका बैलेंस बिगाड़ सकता है। यस, बैलेंस का नाम लिया और जस्टिस का कार्ड भी आ गया। स्पेशली कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन होपफुल हैं। कन्फ्यूजन से बाहर निकल के ये आपके लिए डिसीजन लेने वाले हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी आज, तो हो सकता है आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के पर्सन आपको ये मैसेज करें कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है और ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं इस रिश्ते में। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, इस रिश्ते में आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। एक बड़ा चेंज यहाँ पर आपके रिश्ते में आने वाला है आपके पर्सन की तरफ से, और इनको पर्सनल लेवल पे कोई ना कोई हानि हो सकती है। किसी तरह का गुस्सा, अग्रेशन इनके थर्ड पार्टी और इनके बीच में हो सकता है, जिसका जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। तो आपको आज का दिन बहुत प्रॉपर वे में गुजारना है। अगर किसी पर्सन का कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा है, वहाँ पर भी न्याय की उम्मीद आप कर सकते हैं। ये जो सडन शिफ्ट है, लक इनका साथ दे देगा। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी। मिलते हैं इसके बाद बड़ी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।